जो पी डब्ल्यू डिपार्टमेंट है उसकी रिव्यू लिया हम लोगों ने और प्रदेश में जहाँ जहाँ काम चल रहे हैं क्या गति है क्योंकि वित्तीय वर्ष समाप्त होने जा रहा है तो हमारी कोशिश है जितना बजट है वो समय से पहले हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकें ताकि लोगों को सड़कों के माध्यम से हम लोग विकास की दिशा में आगे ले जा सकेंगे ग्रामीण विकास मंत्रालय से हमने आज पूरा रिव्यू लिया है और स्वच्छ भारत मिशन हो नरेगा हो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना हो सबका रिव्यू लिया है जहाँ जहाँ कमियाँ हैं उसको मैंने कहा कि अतिशीघ्र इस पर कार्रवाई करें और जो धरातल पर रुकावटें हैं उसका भी संज्ञान हम लोगों ने लिया है कई बार जमीन एक्वायर करने में या ब्लॉक तहसील में काम करने में दिक्कत आती है तो सभी आला अधिकारियों को बुलाकर आज मैंने निर्देशित किया है कि ग्रामीण विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है और इसको हमें बहुत गति के साथ इकतीस मार्च से पहले पहले सारा हमें बजट अपना इस्तेमाल करना है पंचायती राज के अंदर भी जैसा कि आप जानते हैं कि आठ तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश जारी किया है और जो हाई कोर्ट में स्टे लगा था उसको उन्होंने विकेट कर दिया है तो सुप्रीम कोर्ट ने जब क्लैरिटी दे दी है और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ बहुत जल्द जो पंचायतों का जो कार्यकाल है वो समाप्त होने जा रहा है और मैंने आग्रह किया है निर्वाचन आयोग से भी क्योंकि एक संवैधानिक संस्था है अपने विवेक से स्वतंत्र है वो चुनाव कराने में और चुनाव कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होती है प्रदेश सरकार पूरी मदद करने के लिए पहले भी तैयार थी और आज भी तैयार है मैन पावर है पुलिस है संसाधन है जो भी उनको चुनाव कंडक्ट करने के लिए मदद चाहिए हमेशा की तरह प्रदेश की सरकार पूरी तत्परता से उनका साथ सहयोग देगी मैं यही चाहता हूँ कि ज़्यादा विलय ना हो और जितना जल्दी चुनाव यहाँ पर होंगे उतना जल्दी लोगों को नए सरपंच नए प्रधान नए प्रमुख मिल सकेंगे तो उस पर भी मैंने अब अधिकारियों से चर्चा करी है तो डिपार्टमेंट पूरी तरह तैयार है जैसे ही हम लोगों को निर्वाचन आयोग का संकेत मिलेगा हम तुरंत प्रभाव से अपना काम चालू कर देंगे मैं उम्मीद करता हूँ कि समय रहते हम लोग चुनाव करा सकेंगे क्योंकि लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी एक ग्रामीण आंचल में जो पंचायती राज की संस्थाएँ हैं वो होता है इसलिए सरपंच प्रधान प्रमुख का चुनाव जल्दी हो समय पर हो इसके लिए मैंने आग्रह लिखित रूप से किया है माननीय निर्वाचन आयोग को और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द एक सकारात्मक निर्णय वहाँ से आएगा तो निर्वाचन आयोग बोलेगा हमारे यहाँ तो सब कुछ तैयार है क्योंकि मत भूलिए जो पहले हाई कोर्ट के निर्णय से पहले जो लॉटरी निकली हुई थी अब वो यथास्थिति बन चुकी है तो वो तो हमारे पास ऑलरेडी है हमें कुछ बहुत ज़्यादा उसमें एक्सरसाइज नहीं करनी है सब तैयारियां हैं पेपर वर्क कागजी कार्रवाई जो भी टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव तैयारियाँ करनी है वो सब हमारे पास तैयार हैं हम सिर्फ वेट कर रहे हैं कि जैसे ही निर्वाचन आयोग हमें कहेगा हम सारा उनको उपलब्ध करा देंगे ताकि चुनाव समय पर हो, अंत में चाहे निर्वाचन आयोग हो चाहे उच्चतम न्यायालय हो चाहे सरकार हो हम सबका एक ही मत है कि हमारा गणतंत्र मजबूत रहे हमारे यहाँ लोकतंत्र आ, मजबूत रहे और जैसे हमारे संविधान में लिखा है कि हर पाँच साल में चुनाव कराने हैं हम वो कराने में कामयाब रहे हम सबका सामूहिक लक्ष्य एक ही है, करते करते है कोई भी जो स्टे आता है वो हमेशा ही होता है लेकिन आज की तारीख ये है कि आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्पष्ट मत दिया है कि हाई कोर्ट ने जो कहा था उसे सहमत नहीं है और ये सरकार का जो पंचायत एक्ट का जो कार्य क्षेत्र है उसके तहत हम लोगों ने कार्रवाई करी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है लेकिन फिर भी हम सुप्रीम कोर्ट से आग्रह कर रहे हैं कि अगर और भी कुछ निर्देश जारी करने हैं तो वो भी हम जल्दी करा दें लेकिन चुनाव कराने की जिम्मेदारी ना तो सुप्रीम कोर्ट की है और ना किसी सरकार की है तो निर्वाचन आयोग बना बनाएं इसलिए है कि चुनाव करवाएं और कई जगह चुनाव हो भी रहे हैं कईयों पे निर्वाचन आयोग ने रोक लगा रखी है लेकिन मैं चाहता हूं कि जल्दी स्पष्टीकरण निर्वाचन आयोग करवा ले हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है मतलब स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरह से हम लोगों ने अपनी तैयारी करी है हम लोग लिखित में कर दिया है और जो थोड़ी बहुत कानूनी अड़चन भी थी उसको भी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हम लोगों ने बड़ा स्पष्ट करा दिया है तो मेरे नजरिए से कोई बाधा नहीं है इसलिए इसलिए मैंने आग्रह किया लिखित रूप से निर्वाचन आयोग को कि वो जल्द चुनाव कराएं जो भी मदद उनको चाहिए जैसा भी सहयोग चाहिए सरकार की तरफ से हमारी सरकार पूरी तरह तैयार है क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि जनता के प्रतिनिधि जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं उन लोगों का चुनाव समय पर हो मेरे को आज विश्वन सिंह जी मिले भी थे और मुझे उन्होंने कुछ बातें बोली हैं और जैसा उन्होंने मीडिया में भी कहा है उनको कुछ आपत्तियां हैं जो कुछ टेंडर प्रक्रिया है तो मुझे लगता है कि सरकार को संज्ञान लेकर अगर कहीं अनियमितताएँ पाई जाती हैं तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए अगर कोई अधिकारी या कोई को प्रशासनिक व्यक्ति <coughs> किसी मंत्री के साथ समन्वय लेकर काम नहीं कर पा रहा है तो उस पर भी सरकार को इंटीविन करना चाहिए क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ दो बार पहले भी उस बात को बोल चुके हैं तो ब्यूरोसी और पॉलिटिकल जो लोग होते हैं वो मिलकर एक अच्छा नेतृत्व देते सरकार का सरकार की लीडरशिप ब्यूरोसी और पॉलिटिकल लोग मिलकर करते हैं तो अगर कहीं रुकावट आ रही है कहीं अड़चन आ रही है कहीं अगर खामियां बताई जा रही हैं तो उसका संज्ञान लेना चाहिए और विश्व सिंह जी एक वरिष्ठ नेता हैं वो कई बार सांसद रह चुके हैं कई बार विधायक रह चुके हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं तो आज मुझे मिलकर आए थे उन्होंने लंबे पूरा विस्तार से मुझे बताया जो जो दिक्कतें आ रही हैं मुझे लगता है कि सरकार को इसमें तुरंत प्रभाव से कुछ कुछ कार्रवाई करनी चाहिए है इसके टोल का जो कानूनी विभाग है मंत्रालय है वो लगातार टच में है जो जो हमको हमारे से रिक्वायरमेंट्स है हमारे, चाहे एजी जी चाहे डबल एजी हो वो पूरे मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई कर सरकार रहे है। एक तरफ आमजन की सुनवाई की बात करती है दूसरा